हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की भूगोल चैप्टर से है। ठीक है बच्चों, एसएसटी के भूगोल से है, आपका ज्योग्राफी से ये हम वायु पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों की, इंग्लिश मीडियम की अपलोड कर दी गई है, तो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालेंगे। ठीक है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना एसएसटी। ठीक है, आप क्लास लिखोगे 7th, वर्कशीट का नंबर लिखोगे, आपको कितना दिया गया बच्चों 19। ठीक है, वर्कशीट नंबर 19। आप डेट लिखोगे 24 सितंबर। ठीक है बच्चों, आपका टॉपिक हो गया क्या, वायु। देखो यहां दिया गया है, क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया, यह सब पवन के कारण होता है। ठीक है, देखिए ये सब जो आपका पवन, सबसे पहले पढ़ते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, पवन मंद गति व तेज गति से चलती है, अत्यधिक तेज पवने हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में भी, मजबूत पेड़ों को भी। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा वायु का। ठीक है, कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं और बहुत चीज उड़ जाती हैं जब भी तूफान या पवन आता। ठीक है, स्थाई पवने, देखो पवने अलग अलग तरीके, स्थाई पवने कौन सी होती है, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, उदाहरण व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये एक ही दिशा में चलती रहेंगे, दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, स्थानीय, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन, लू स्थानीय पवने होती हैं। ठीक है, मौसमी तथा सामयिक पवने, ठीक है, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। ठीक है, भारत में कौन सी मानसूनी पवने जो होती हैं, वो क्या होती हैं, सामयिक पवने होती हैं। ठीक है बच्चों, और ये स्थानीय पवने, ये स्थायी पवने। आगे चलते हैं, वार्थ, दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है, जिस साइड पवन चल रही होगी उस साइड आपका ये मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमेशा इसका आप नाम याद रखोगे, वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है, किसका, वात दिग्दर्शी। प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवने, वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, वायु हमेशा उस दाब वाले क्षेत्रों में, निम्न दबाव वाले क्षेत्र में चलती है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है, भूमध्य रेखीय और निम्न दाब उष्ण। ठीक है, तो देखिए इसका आपका डायग्राम में दिखाया गया है कि ये भूमध्य रेखा पे कितने 5 डिग्री और उत्तर की ओर, तो 5 डिग्री किधर, उत्तर की ओर, और 5 डिग्री दक्षिण की ओर, और इस वाले में उत्तरी गोलार्ध में क्या डिफरेंस है, ये 30 डिग्री उत्तर की ओर, और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका दशांश की ओर। ठीक है बच्चों, ये ऊ से बच्चों आपका उत्तर नहीं, ये दिया गया है आपका अशांश। ठीक है, दर्शाया जा रहा है 5 डिग्री अशांश। देखो यहाँ पे आपका दिया गया होगा, देखिए आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे आपको पूरा ये देखो उच्च दाब, ये आपका उच्च दाब 90 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आते आते कितना हो गया 60 हो गया, उधर दिया निम्न दाब। ठीक है, यहाँ पे 35 30 23। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे आपका फिर से बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि यह भूमध्य रेखा के 5, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, इसके आसपास में कहीं से और 5 डिग्री, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है 30 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है, देखिए ये रहा, और ये 35 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये आपका इसमें पूरा बताया गया। आप देखो क्या कहते हैं, क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है,
है, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, जो फैला हुआ है इसमें हमेशा क्या रहता है, तापमान अधिक रहता है। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ इन पीढ़ियों में उत्तर और शिखावस भी होता है। और इस वाले में देख लेते हैं इसमें क्या होता है, अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ उच्च दाब वायु वाले पाया जाता है। भूमध्य रेखा पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की बहने लगती है, लेकिन ये पवने पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व विपेक्षित हो जाती है, ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है, इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवने भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है। ध्रुव की ओर चलने वाली पवन के दोनों गोलार्ध में स्नातन पछुआ पवन कहा जाता है। ठीक है, देखो ऊर्ध्वीय निम्न दाब ध्रुवीय उच्च दाब दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर दक्षिणी के आने वाली पवन ध्रुवीय पवन स्नातन पछुआ टकराकर ऊपर उठती है, जिससे यह भी यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यह दोनों गोलार्ध में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष में उच्च दाब बना रहता है, यह निम्न वायु ध्रुवीय पवन क्या चलती है। ठीक है, अब देखो मेन इसके आपके क्वेश्चन आंसर थे, तो आपको पवन को परिभाषित कीजिए, पवन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा इसी में दिया गया, देखिए ये रहा। ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया आंसर नंबर एक। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर एक हो गया। अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट, आपको मिलान करना है। इसमें दिया गया स्थाई पवने, स्थाई पवने बच्चों हमने क्या पढ़ी थी, स्थाई पवने अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने देखा था स्थाई पवने जो होती थी आपकी उच्च दाब है ना, यहाँ पे देखिए स्थायी पवने आपका आ जाएगा व्यापारिक पवने। ठीक है, स्थानीय पवने आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपके मिलान थे। ठीक है, स्थाई पवने आपका व्यापारिक पवने, स्थानीय पवने लू, और मौसम पवने आपका मानसूनी पवन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन करा दिए। अब गतिविधि इसमें दी गई है, अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा के आई चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए, इसे अन्य खबरों के साथ पता। बस आपको बच्चों पढ़ना है, ठीक है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप अपने चैप्टर से उड़ीसा में आए जो चक्रवात थे वहाँ से उसको रीड करना है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।